नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण के महीने में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें ताकि वो एकाग्रचित होकर उनका मन पढ़ाई में लगे। रुद्राक्ष धारण करना श्रावण के महीने में अति श्रेष्ठ होता है, तो हम इस स्टूडेंट रुद्राक्ष के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। 22 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में 5 अगस्त को होगा, तो छात्र लोग क्या करें ये हम आपको बताने जा रहे हैं श्रावण के महीने में। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट शिवागो.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग अपने घर में श्रावण के महीने में एक फोटो स्थापित कीजिए भगवान शिव का, पर भगवान शिव जो है नंदी पर सवार रहेंगे, मतलब विराजमान रहेंगे नंदी के ऊपर, ये वाला फोटो आपको लगाना है। इससे जो आपकी का जो एकाग्रता है, या माता पिता को मैं कह रहा हूँ जो बच्चे का भी छूटे हैं उनके कमरे में आप भगवान शिव का ये फोटो लगाइएगा जिसमें वो नंदी पर विराजमान, इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। श्रावण के महीने में सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का फोटो यदि आप लगाते हैं तो और अच्छा होगा, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है ये स्टूडेंट रुद्राक्ष, जैसे स्टूडेंट कवच भी कहते हैं। अब इसमें एक जो रुद्राक्ष है वो गणेश रुद्राक्ष होता है, 4 मुखी और 6 मुखी, कहीं कहीं कॉम्बिनेशन क्या होता है 2 4 मुखी लगाते हैं और 1 गणेश रुद्राक्ष लगाते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। कहीं कहीं लोग 2 4 मुखी और 1 6 मुखी लगाते हैं। तो एनीवेज, कहने का तात्पर्य है कि 4 मुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष होता है विद्यार्थियों के लिए, तो 4 और गणेश रुद्राक्ष, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सारे के सारे विद्यार्थी कवच कहलाते हैं या स्टूडेंट रुद्राक्ष कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो आपको मिलेगा वो 4 6 और गणेश रुद्राक्ष के साथ मिलेगा, या 2 4 1 6 मिलेगा, या 2 4 1 गणेश रुद्राक्ष मिलेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे जो बच्चे हैं वो एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं और इसको धारण करेंगे आप श्रावण के महीने में तो और भी अच्छा होगा, तो आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, आपका जो गोल है वो फिक्स होता है। इसे सरस्वती कवच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरस्वती कवच। तो सरस्वती कवच पहनने से या अष्टुंड द्राक्ष कवच पहनने से माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये ध्यान और योग के लिए काफी अच्छा होता है, आपका दिमाग एकाग्रचित होता है, आपकी जो बुद्धि वो प्रखर होती है। यदि आपका दिमाग उतना अच्छा नहीं भी चल रहा है तो भी आप धारण कीजिए। जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं या जर्नलिस्ट्स हैं, उन्हें पहनना चाहिए। इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके बोलने की क्षमता बढ़ती है, आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये रुद्राक्ष कवच जरूर पहनना चाहिए। देखें कि आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है, आप के जो बोलने की जो क्षमता है उसमें एक निखार आ जाता है, आप प्रखर हो जाते हैं। और ये मिलेगा आपको शिवागो.com या omja.com पर, बिल्कुल जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो। धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।